नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AKTM एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं KIIT भुवनेश्वर का। KIIT जिसको हम कहते हैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, जो कि आपका भुवनेश्वर में पड़ता है। भुवनेश्वर आपका पड़ता है उड़ीसा में। इस इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत ही ज़्यादा चर्चाएँ होती हैं जब इसका एप्लीकेशन फॉर्म लगभग हर साल आता है और उसकी एप्लीकेशन फ़ीस जीरो रहती है। बट अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो उसके लिए एक बहुत ज़्यादा फीस आपको चुकानी पड़ती है। तो क्या क्या है इस कॉलेज में हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस तरीके से इसमें आपको एडमिशन लेना है, कौन कौन से कोर्स इसमें आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, इसकी फीस कितनी रहती है जो कि बहुत ज़्यादा इसकी है, और इसके अलावा इसमें कट ऑफ कितनी आती है किसी भी ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए। और इसके बाद इसके प्लेसमेंट की बात करते हैं, बहुत तगड़ा प्लेसमेंट रहता है, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इसमें आपको कुछ स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाती है ताकि आपकी फीस में थोड़ी सी कटौती की जा सके। इसके अलावा इसमें आपको शानदार हॉस्टल भी मिलता है, इसमें आपको AC हॉस्टल भी अवेलेबल है। तो इस वीडियो में हम KIIT के बारे में सारी डिटेल जानेंगे। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और KIIT के बारे में सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। तो पहले आपको बता दूं कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, बट इस कॉलेज के बारे में सारी डिटेल्स एक ही वीडियो में कवर कर पाना इतना आसान नहीं है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को बड़ा होगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो बात करते हैं इसके एस्टेब्लिशमेंट की। तो 1992 में आपका एस्टेब्लिश किया गया था। इसको हम KIIT यूनिवर्सिटी के भी नाम से जानते हैं। इसकी सिटी कहाँ पर, भुवनेश्वर, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट KIIT.ac.in को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपके जो एग्जाम है वो मेन तो एग्जाम इसका KIIT EE, यानी कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम, वही मेन होता है। इसके अलावा इसमें ढेर सारे एग्जाम और भी इसके थ्रू आप अप्लाई करते हैं। इसके अलावा इसका जो पॉपुलर कोर्स है वो आपका BE, BTEC, MBA और PGDM इसके पॉपुलर कोर्स हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, ढेर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। टोटल कोर्सेज की हम बात करें तो लगभग इसमें आपको 144 कोर्सेज मिल जाते हैं और 14 स्ट्रीम्स में आपको भी एडमिशन यहाँ पे दिया जाता है। दोस्तों अगर नज़र डालते हैं कि इस कॉलेज में आपके लिए कौन कौन से फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो अगर हम बात करें तो इसमें आपको मूट कोर्ट, यानी कि इसमें लॉ का पूरा कोर्ट ही अवेलेबल है वहाँ पे, जिसमें बाहर के भी केसेस वगैरह लड़े जाते हैं। इसमें आपका डिजाइन स्टूडियो भी अवेलेबल है। इसके अलावा इसमें आपको लाइब्रेरी मिलती है, बहुत ही विशाल लाइब्रेरी है, कई एकर्स में लाइब्रेरी आपकी फैली हुई है, और इसमें आपको लाखों की संख्या में बुक्स मिल जाती हैं। इसके अलावा इसमें कैफेटेरिया भी अवेलेबल है, एक कैफेटेरिया नहीं है, ढेर सारे कई सारे कैफेटेरिया आपके वहाँ पर अवेलेबल है। हॉस्टल, इसमें आपको सभी बच्चों को लगभग हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है, और हॉस्टल भी वहाँ पर एक नहीं है, कई सारे वहाँ पर हॉस्टल आपको बने हैं। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसके अंदर जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है वो इंडिया के किसी भी अन्य कॉलेज में आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। A to Z लगभग सभी स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इसमें आपको ढेर सारे जिम्स भी मिलते हैं, कई जिम बने हुए हैं अलग अलग जगह बच्चों के लिए, वहाँ पर आप जाकर जिम भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको हॉस्पिटल और मेडिकल की फैसिलिटीज अंदर ही मिल जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर आपका मेडिकल कॉलेज भी है, तो आपको वहाँ पर इजिली ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड जाती हैं। इसके अलावा आपके पूरे कैंपस में, हॉस्टल से लेकर कैंपस तक, सारी जगह वाईफाई आपका अवेलेबल है, कहीं भी आप वाईफाई को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको बस सर्विस अवेलेबल है, क्योंकि कैंपस बहुत विशाल कैंपस है, कई एकर्स में फैला हुआ है, कई 100 एकर्स में फैला हुआ है, तो वहाँ पे आपको बस की सर्विस प्रोवाइड कर दी जाती है। और अगर कुछ इस कॉलेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको ऑडिटोरियम मिलता है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बड़ा ऑडिटोरियम, इसमें हज़ारों लोग एक बार में बैठ सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्लासरूम, आपके मैक्सिमम क्लास रूम आपके AC वाले हैं। इसके अलावा इसमें आपको कन्वीनियंस स्टोर भी मिल जाता है। इसके अलावा इसमें लैब मिलते हैं आपको, बहुत बड़ी बड़ी, बहुत ही शानदार लैब इसमें है। इसके अलावा आपको इसमें बैंक ATM मिल जाता है, रेलवे रिजर्वेशन का काउंटर इसी के अंतर्गत है, एनिमल हाउस है, गेस्ट हाउस है, पोस्ट ऑफिस है, आपका कन्वेंशन सेंटर है, और आपके लिए जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनके लिए भी इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं। और इसके अलावा इसमें आपको कॉन्फ्रेंस हॉल और बैंकट हॉल भी मिल जाते हैं, यानी कि A to Z सारी सुविधाएं आपको इसके अंदर प्रोवाइड कर दी जाती हैं। दोस्तों फटाफट अंदाज में नज़र डालते हैं कि इस कॉलेज की मेन मेन हाइलाइट्स के बारे में, अचीवमेंट के बारे में। तो इसमें आपको अचीवमेंट में देख सकते हैं कि इसमें 9000 यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग करवाई गई थी ब्रिस्क के द्वारा, उसमें से इसने 8th नंबर हासिल किया था। इसके अलावा इसने 49वीं रैंक हासिल की थी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया में 2017 में। इसके अलावा इसमें आपको एकेडमिक जो इसका कोलेबोरेशन है वो कम से कम 150 यूनिवर्सिटी जो है आपकी फॉरन यूनिवर्सिटी उनके साथ इसका कोलेबोरेशन है। इसके अलावा इसमें लगभग 5 लाख रुपये का एवरेज पैकेज आपको लग ही जाता है, चाहे आप कोई भी ब्रांच से हों। इसके अलावा इसमें आपको TEDx का जो इवेंट होता है वो भी इसने आपका होस्ट किया हुआ है। दोस्तों कोर्सेज की बात करें तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, एक वीडियो में उन सारे कोर्सेज के बारे में बताना बहुत ही मुश्किल है। तो मोटी मोटी नज़र डालते हैं कि कौन कौन से कोर्स में अवेलेबल हैं। तो इसमें आपको BE और BTEC का कोर्स मिलता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही तगड़ा प्लेसमेंट रहता है, लेकिन फीस फीस की बहुत ज़्यादा मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके अलावा इसमें आपको MBA, PGDM कोर्स मिल जाता है, BBA मिल जाता है, BSc मिल जाता है, BSc बहुत सिस्टम्स में मिल जाता है, MCA मिल जाता है, MSc मिल जाता है, MD मिलता है, BDES मिलता है, BArk मिलता है, LLM, ME और MTech भी मिल जाता है, BA LLB कोर्स मिल जाता है, PhD भी आप यहाँ से कर सकते हैं, MBBS भी कर सकते हैं, BA LLB कर सकते हैं, MPH कर सकते हैं, MDS कर सकते हैं, BDS, BCA, MA, MFA, MS, BCLLB, DM, MCH, जैसे बहुत सारे कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं। आपको जो भी कोर्स चाहिए वो सारे कोर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। कुछ कोर्सेज में इंटीग्रेटेड भी होते हैं, जैसे BTEC, MTEC आपका इंटीग्रेटेड भी इसमें आपको मिल जाता है।
बात करें कि इसमें कौन कौन से स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, तो इसमें आपको इंजीनियरिंग के ढेर सारे कोर्स मिल जाते हैं, नर्सिंग के कोर्स मिल जाते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के कोर्स मिल जाते हैं, मेडिसिन एंड हेल्थ साइंस के कोर्स मिल जाते हैं, लॉ के कोर्स मिल जाते हैं, आईटी एंड सॉफ्टवेयर के कोर्स मिल जाते हैं, डिज़ाइन के कोर्स मिल जाते हैं, साइंस से संबंधित कोर्स मिल जाते हैं, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के कोर्स मिल जाते हैं, एनिमेशन से संबंधित कोर्स मिल जाते हैं, मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया है इसमें आपका, आर्ट्स है चाहे फाइन आर्ट्स हो चाहे विजुअल आर्ट हो चाहे परफॉर्मिंग आर्ट हो सारी इसमें अवेलेबल हैं, ब्यूटी एंड फिटनेस से संबंधित कोर्स अवेलेबल हैं और ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के भी इस कोर्स में अवेलेबल हैं आपके। दोस्तों अगर बात करते हैं इस कॉलेज के एडमिशन के प्रोसेस की, तो जिसका मेन एग्जाम होता है KIITEE यानी कि KIIT इंट्रेंस एग्जाम, उसके द्वारा आपको मेन जितने इसके कोर्सेज हैं उनमें आपका एडमिशन मिल जाता है। इसके अलावा आपके कुछ कोर्स जैसे कि MBBS BDS PG मेडिकल एंड PG डेंटल, इनमें कोर्स आपको नहीं मिलता है, इनमें आपको नीट के थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन आपका BTEC हुआ चाहे आपका BA BSc जो भी कोर्स है उसमें आपको KIITEE के द्वारा एडमिशन मिल जाता है। कुछ कोर्सेज जिसमें आपके लिए आपको BR करना है तो आपको नाटक का एग्जाम देना पड़ेगा, अगर BBA करना है तो आपको जो परफॉर्मेंस अदर होते हैं उनमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा, MTech के लिए आपको गेट ही देना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई भी अवेलेबल एग्जाम नहीं है। इसके अलावा आपका जो रूरल मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट है उसके लिए आपको KIIT का मैनेजमेंट एग्जाम देना पड़ेगा और PhD के लिए आपको UGC नेट देना पड़ेगा। इसके अलावा जो मेन आपके कोर्सेज हैं सारे कोर्सेज में आपको KIITEE के द्वारा एडमिशन मिल जाता है। दोस्तों नजर डालते हैं कुछ और हाइलाइट्स पे, तो इसमें आपको 4200 जॉब ऑफर किए गए थे आपके पिछले ईयर में और 3750 जिसमें से BTEC वालों के लिए थे और लगभग 750 आपके स्टूडेंट टॉप की जो कंपनी होती है MNC कंपनी होती है उनमें आपके प्लेस किए गए थे। इसके अलावा आपको आपका हाइस्ट पैकेज था वो 39 लाख रुपये तक चला गया था जो कि एडब ने दिया था और आपका एवरेज पैकेज लगभग 6 लाख रुपये इसका था। इसके अलावा इसमें आपको 654 और जॉब ऑफर दिए गए थे बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा। अब दोस्तों देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कंपनी विजिट इसमें कितनी कंपनियों ने विजिट किया है, तो 2019 की हम बात करें तो यहाँ पे आपको 220 कंपनियों ने लगभग विजिट किया था और 2014 15 16 17 18 में आप देख सकते हैं लगभग हर साल 100 से लेकर 200 कंपनियाँ परमानेंट आपके विजिट के लिए आती रहती हैं। अब बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जॉब ऑफर्ड की, कितने जॉब आपके टोटल ऑफर किए गए थे, तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ जॉब ऑफर्ड की हम बात करें तो यहाँ पे आपको 2019 में जैसा कि मैंने पहले बताया था कि लगभग 42 लोगों को जॉब ऑफर किया गया था। इसके अलावा आपका 2016 में आपका 4777 लोगों को जॉब ऑफर किया गया था। इसके अलावा 2000 2500 3000 लोगों को प्रतिवर्ष आप देख सकते हैं जॉब का ऑफर प्रदान कर दिया जाता है। अब दोस्तों देखते हैं कि सैलरी का क्या ट्रेंड रहता है इस कॉलेज में, तो आप देख सकते हैं कि 2019 में आपका 39 लाख रुपये हाइस्ट पैकेज गया था, 2018 में भी आपका 39 लाख रुपये हाइस्ट पैकेज गया था। इसके अलावा 2014 से लेकर 2017 तक आपका 30 से लेकर 20 25 30 तक आपका आपका जो हाइस्ट पैकेज है वो बराबर जाता रहता है। अब बात करते हैं कुछ टॉप रिक्रूटर्स की, इसमें कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं विजिट के लिए, तो उसमें आपको अमेजोन सबको पता है बड़ी कंपनी है, डेल माइक्रोसॉफ्ट विप्रो एक्सेंचर नोवेल्टीज DBS SAP ZS इन्फोसिस डायरेक्टी TVS डेलोहिटे हुंडई एडोब कोग्निजेंट इंड्योरेंस क्विकर, एक सारी कंपनियां देख सकते हैं सारी मल्टीनेशनल कंपनी है और सारी टॉप नॉच की कंपनी है, तो ये सारी कंपनी इस कॉलेज में विजिट के लिए आती रहती हैं। नहीं तो इतना 39 लाख रुपये का जैसा कि आपको पता है हाइस्ट पैकेज गया है, तो 39 लाख रुपये का पैकेज कोई बड़ी कंपनी दे सकती है, वैसे छोटी मोटी कंपनी की बात नहीं है इतना बड़ा पैकेज दे पाने की। दोस्तों एक नजर डालते हैं कि फीस पेस की, तो यहाँ पे आप प्रोग्राम देख सकते हैं सेमेस्टर देख सकते हैं और सेमेस्टर की फीस देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BTEC की, तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पहले बता देता कि फीस इसकी बहुत ज़्यादा है बहुत तगड़ी फीस है, तो BTEC की फीस आपको 1.5 लाख रुपये प्रति सेमेस्टर लगती है और 8 सेमेस्टर होते हैं यानी कि आपको टोटल लगभग लगभग 12 लाख रुपये आपकी BTEC की फीस इसमें चली जाएगी। अगर आप BTEC और MTEC इंटीग्रेटेड करते हैं तो भी आपको 1.5 लाख रुपये प्रति सेमेस्टर ही फीस लगेगी, आपका 5 साल में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप BTEC और MBA की डुअल डिग्री करते हैं इंटीग्रेटेड तब भी आपकी 1.5 लाख रुपये फीस लगेगी, 6 सेमेस्टर आपको सॉरी 12 सेमेस्टर आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप BR करते हैं तो आपको 5 इसका ये कोर्स पड़ेगा और इसकी भी फीस आपकी 1.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर ही रहेगी। और दोस्तों इसका एक और पॉपुलर बहुत ही कोर्स पॉपुलर है वो है BTEC लेटरल एंट्री का, यानी अगर आपने किसी भी इंडिया के किसी भी कोर्स से डिप्लोमा को किया हुआ है तो आप इसके BTEC में लेटरल एंट्री के रूप में एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ आपको 3 ईयर्स में BTEC की डिग्री प्रोवाइड कर दी जाएगी लेकिन फीस की कोई रियायत नहीं है, 1.5 लाख रुपये प्रति सेमेस्टर आपकी फीस लगनी ही लगनी है। इसके अलावा अगर आप MTEC करते हैं इस कॉलेज से तो आपका 4 सेमेस्टर में कंप्लीट हो जाएगा, 1,17,000 रुपये प्रति सेमेस्टर इसकी फीस की आपकी, और MCA अगर आप करते हैं तो आपकी 96,000 रुपये प्रति सेमेस्टर फीस लगेगी। अगर लेटरल एंट्री से करते हैं तो भी आपकी 96,000 से फीस लगेगी। अगर आप MSc करते हैं बायोटेक्नोलॉजी से तो आपकी 75,000 रुपये प्रति सेमेस्टर फीस लगेगी। कुछ और कोर्सेज की फीस पे अगर हम नजर डालें तो अगर आप इसमें MSc कर रहे हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी से तो 75,000 रुपये फीस लगेगी, अगर BCA करना चाहते हैं तो 96,000 रुपये पर सेमेस्टर फीस रहेगी, BBA की फीस आपकी 1,17,000 रुपये पर सेमेस्टर है, अगर आप बैचलर ऑफ डिज़ाइन करते हैं तो आपकी 80,000 रुपये पर सेमेस्टर फीस लगेगी, अगर आप बैचलर ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन करते हैं तो आपकी 80,000 रुपये पर सेमेस्टर आपकी यहाँ पे फीस लगने वाली है। इसके अलावा अगर आप इस कॉलेज से BA LLB BBA LLB या लॉ का कोई भी कोर्स करते हैं तो लगभग 1,45,000 रुपये आपकी प्रति सेमेस्टर फीस आप लगेगी। इसके अलावा अगर आप LLM करते हैं तो आपकी 80,000 रुपये पर सेमेस्टर फीस रहेगी, अगर आप करते हैं मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन तो आपकी 80,000 रुपये रहेगी, अगर आप करते हैं मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन तो आपकी 75,000 रुपये फीस यहाँ पर रहेगी।
दोस्तों कुछ और पॉपुलर कोर्सेज की फीस यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आप करते हैं मास्टर पब्लिक हेल्थ तो आपको 75,000 रुपये पर सेमेस्टर रहेगा फीस। अगर हम पीएचडी करते हैं इंटीग्रेटेड एमएससी के साथ तो आपकी 5 ईयर में कंप्लीट होगा और आपका 1 लाख रुपये फीस रहेगी पर सेमेस्टर इसका आपका। अगर आप करते हैं एमए योगा थेरेपी से तो आपका 20,000 रुपये पर सेमेस्टर। बीएससी नर्सिंग की फीस आपकी 75,000 रुपये पर सेमेस्टर है। एमएससी नर्सिंग की आपकी 1.5 लाख रुपये है और आपकी एमबीबीएस की आपकी लगभग 12 लाख रुपये आपकी फीस पड़ जाती है 1 ईयर की, यानी कि 12 चक्कू आपका लगा सकते हैं लगभग 60 लाख रुपये आपकी फीस एमबीबीएस की जा सकती है। बीडीएस की फीस आपकी लगभग 5 लाख रुपये पड़ती है इसमें पर ईयर। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस कॉलेज से आप पीएचडी भी कर सकते हैं, तो पीएचडी की फीस यहाँ पे आप देख सकते हैं। पीएचडी की फीस थोड़ी सी वैरी करती है कि आप कौन से स्ट्रीम से कर रहे हैं, बट आपकी पीएचडी की फीस लगभग 1.5 लाख रुपये तक आपकी प्रति साल पड़ जाती है। इस कॉलेज की फीस मैंने आपको पहले बताया था बहुत ज़्यादा हाई है, इसके बहुत सारे कारण है। क्योंकि इस कॉलेज में आपको मैक्सिमम सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाती है, तो जब आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जा रही हैं तो उसका पैसा भी आपको देना ही पड़ेगा, तो इसलिए इसकी फीस बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें बहुत ही शानदार बहुत ही बड़ा हॉस्टल अवेलेबल है। तो अगर हम हॉस्टल की फीस की बात करें तो अगर आप 2 बेडेड हॉस्टल लेते हैं नॉन एसी तो लोग आपकी 30,000 रुपये पर सेमेस्टर फीस रहेगी। अगर 3 बेडेड लेते हैं तो आपकी 21,000 रुपये पर सेमेस्टर फीस रहेगी। अगर आप नॉन एसी हॉस्टल लेते हैं 2 बेडेड तो ये अगर लॉ लॉ कर रहे हैं आप तो आपकी 27,000 रुपये फीस रहेगी। और अगर आप एसी हॉस्टल लेते हैं 1 बेड का तो आपकी 65,000 रुपये पर सेमेस्टर फीस रहेगी। अगर आप एसी हॉस्टल ले रहे हैं 2 बेडेड तो आपकी 50,000 रुपये पर सेमेस्टर रहेगी। अगर एसी हॉस्टल ले रहे हैं 3 बेडेड तो आपकी 40,000 पर सेमेस्टर फीस रहेगी। तो इसकी हॉस्टल की फीस भी देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपकी हॉस्टल की फीस है, बट इसमें आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। खाने की तो बात ही मत पूछे, बहुत तगड़ी फैसिलिटीज जो आप खाएंगे आपकी इच्छा की वही आपको खाना भी प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों फाइनली बात करते हैं कि अगर इस कॉलेज की फीस इतनी ज़्यादा है, अगर आप पे नहीं कर पा रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप से भी कोई फैसिलिटी है कि नहीं है, तो बता दूं कि इसमें आपको कई तरीके से स्कॉलरशिप दी जाती है। गवर्नमेंट की तरफ से भी दी जाती है और जो आपका KIIT यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। हम नजर डालते हैं कि आपको कौन कौन सी स्कॉलरशिप दी जाती है। तो यहाँ आपको ट्यूशन फी वेवर स्कीम एक स्कीम है, उसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। प्रद्युम्न बाल मेमोरियल स्कॉलरशिप के थ्रू आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। और KIIT का एक पॉवर्टी का मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, उसके द्वारा आपको मिल जाती है। KIIT मेरिट स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। टीचर असिस्टेंट से प्रोग्राम होता है उसके थ्रू मिल जाती है। और KIIT की मेरिट जो एग्जाम मेरिट स्कॉलरशिप होती है उसके थ्रू भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो आपको कई तरीके से स्कॉलरशिप मिल जाती है जिसकी आपकी फीस में काफ़ी ज़्यादा आपको रियायत मिल जाती है। तो दोस्तों लगभग मैंने सारे एस्पेक्ट्स जो थे इस कॉलेज के वो कवर कर दिए हैं, जिसमें मैंने आपको एडमिशन कोर्स फीस कट ऑफ प्लेसमेंट स्कॉलरशिप हॉस्टल सबके बारे में बता दिया। अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो आपकी कट ऑफ अलग अलग ब्रांच के हिसाब से मेडिकल इंजीनियरिंग और या फाइन आर्ट्स की जो आपके कोर्स जो होते हैं उनमें अलग अलग कोर्स की कट ऑफ अलग अलग जाती है। तो कट ऑफ को सारी कट ऑफ्स को मेंशन करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। बाकी जितनी बातें थी मैंने आपको मेन सारी बातें इस कॉलेज के बारे में बता दी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लेकर आप हमसे पूछ सकते हैं, आपका प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। फिलहाल करें तो उस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।